मुझे नाश्ते में ये सीरियल खाना है जो कल से पड़े हुए हैं। छी, दूध खट्टा हो गया है। सावधान, रेड कोड। ये कैसा शोर है? क्या मेरी पोती रो रही है? दादी बचाव के लिए आ रही है। मुझे ये पसंद नहीं है जब बच्चे घर में रोते हैं। मेरी छोटी बहन को किसने नाराज किया? वह क्यों रो रही है? मैं अभी पता लगाती हूँ। क्या बच्चा रो रहा है? उसे क्या हुआ होगा? मैं वो नहीं खाऊंगी। अब दादी बहन और शेफ बेबी ग्लोरिया के लिए स्वादिष्ट व्यंजन पकाएंगे। हम रापापा से नई चुनौती शुरू कर रहे हैं। मेरी पोती क्या खाना चाहती है? मुझे ऐसी आइसक्रीम चाहिए। मुझे ऐसी रेसिपी पता है, ये फ्राइड आइसक्रीम है। आइसक्रीम की ऐसी कंसिस्टेंसी को पाने के लिए इसे टुकड़ों में बारीक कटा हुआ होना चाहिए। यह आसान है। दादी, आप और मैं भी ऐसा कर सकते हैं। टक टक टक, एकदम आसान। अपने चाकू ठीक से रखो बच्चे, और इस तरह से किचन में खाना मत फैलाओ। ओके। ऐसा तब होता है जब नौसिखिए काम पर लगते हैं। नहीं, ये अच्छा नहीं है। मैं इसे इसकी ओरिजिनल रेसिपी के अनुसार बनाऊंगी। ओके। हमें एक प्लेन सतह पर दूध और क्रीम डालना होगा, और फिर किसी भी बेरीज को काट ले। मेरे पास स्ट्रॉबेरीज हैं, और दूध के साथ मिलाएं और सबको अच्छे से चॉप करें। जब ये मास थोड़ा हार्ड हो जाए, हम इसे काट सकते हैं और ट्विस्ट करके रोल कर सकते हैं। हाँ, मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। कट और ट्विस्ट, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे ग्लास में डालूंगी और इसे सजाऊंगी। मैं व्हिप क्रीम मिलाऊंगी, पर ये थोड़ा फीका लग रहा है। मैं इसे रेनबो स्किटल्स कैंडी से सजाऊंगी। सुंदरता के लिए एक सुगर ट्यूब और ओरियो कुकीज। अब दादी भी अपनी आइसक्रीम को टुकड़ों में काट लेंगी। हाँ, इस तरह से। इसे अंदर कटोरे में रख लिया और उस पर स्ट्रॉबेरी सॉस डालूंगी। दादी, आप ऐसे गलत कर रही हैं। और सॉस मेरे लिए भी उपयोगी है। और मैं गमी बेर भी डालूंगी, और मैं कुछ बेरीज भी डालूंगी, स्ट्रॉबेरी और फिर ब्लूबेरी। मैं सब कुछ स्प्रिंकल से सजाऊंगी। आराम, एकदम सही। यह कितना बेकार लग रहा है। यहाँ जैन, देखो और सीखो। हम आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजा सकते हैं। नींबू का खट्टा स्वाद पूरी तरह से आइसक्रीम के मिठास के साथ मिल जाएगा। नींबू के छिलके का उपयोग असामान्य सजावट के लिए किया जा सकता है। आइसक्रीम को लंबे समय तक शेप में रखने के लिए थोड़ी बर्फ डालते हैं। और सर्विंग के लिए मैं ड्राई आइस का उपयोग करूंगी, जैसा कि महंगे रेस्टोरेंट में किया जाता है। मैं थोड़ा स्मोक भी डालूंगी और इसे ढक्कन के नीचे रख दूंगी। और देखो, ये तैयार है। शेफ की आइसक्रीम कितनी सुंदर तैयार हुई है, एकदम शानदार। हाँ, दादी की आइसक्रीम इतनी प्रभावशाली नहीं लग रही। बहन के एक कप में बहुत सारी सामग्रियां हैं, लेकिन देखते हैं किस तरह की आइसक्रीम बेबी ग्लोरिया को सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मुझे यह चाहिए। वाह, स्ट्रॉबेरी और क्रीम, बहुत स्वादिष्ट। वाह, क्या फॉग है वहाँ, क्या है? वाह, मैं ऐसा ही चाहती थी। कितना धुआं। हाँ, यह खट्टा है। यह थोड़ा अजीब लग रहा है। स्वाद भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है। मैं इसे चुनती हूँ। अरे, यह मेरा है। मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। दादी, ग्लोरिया खाना मांग रही है। मुझे लॉलीपॉप चाहिए। यहाँ देखो, ऐसे स्टिक पर रंगीन। क्या दादी को ठीक से नहीं दिखता? ओह, ऐसा, मैं समझ गई। दादी हमेशा ऐसा बनाती है। पहले चीनी को पानी में उबालने की जरूरत है। इसके लिए पानी ले और इसमें चीनी डाले और इसे हिलाते रहना होगा। क्या तुम्हें रेसिपी पता भी है अम्मा? इसे दोहराओ। वे हमेशा लड़ते रहते हैं। इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं लग रहा है। चीनी और पानी, इसे किसी सॉस पैन में डाले और इसे अच्छे से हिलाते रहे। हाँ। सांचों में डालने से पहले हमें कैरमेल का तापमान जांचना होगा, नहीं तो इसमें क्रैक आ सकता है। बिल्कुल सही। अब इसे सांचों में डाल सकते हैं और रेनबो कलर को डालें, जैसा कि ग्लोरिया को चाहिए। हाँ दादी, देखो और सीखो। ओह हाँ, सच में ग्लोरिया एक रंगीन लॉलीपॉप चाहती थी। हाँ, मेरे पास एक नेचुरल डाई है। दादी, तुम बहुत मजबूत हो।
ऐसा कोई काम नहीं है जो दादी नहीं कर सकती। हाँ, ये अब इसे सांचों में डाल सकते हैं। इस तरह से मैं इसमें ये स्टिक डाल देती हूँ जब तक ये जम रही है। तो यह कार्मल जम गए हैं। अब हम इस लॉलीपॉप को निकाल सकते हैं। वाह, दादी इसकी सराहना करती है। मैं कार्मल से एक पतली छड़ी बनाऊंगी। हाँ, इस तरह से यह रहा मेरा कार्मल। अब मैं इसे एक बड़े लॉलीपॉप में बदल दूंगी। इस तरह से, एकदम सही। ओ, लगता है कि कुछ जल रहा है। ओ, ये मेरा कार्मेल है। ये जल गया। ओ, तुम कितनी अनारी हो बच्चे। मुझे क्या करना चाहिए? मैं भी ऐसा लॉलीपॉप बना सकती हूँ। मेरी बहन के पास रंगीन क्ले के जार हैं। मैं उनसे पतली छड़ी बनाऊंगी और उन्हें आपस में मिलाकर मोड़ लूंगी, जैसा कि एमा ने किया था। इस तरह मेरे पास रेनबो लॉलीपॉप होगा। यह सच है, इसे खा नहीं सकते, लेकिन ये बहुत सुंदर है। सब कुछ तैयार है। एकदम सही। तुम क्या चुनोगी ग्लोरिया? दादी की कैंडी या बहन की बनाई हुई लॉलीपॉप या शेफ का बनाया हुआ कैंडी? मुझे यह लेना है। यह सामान्य दिखता है। इसका कितना अजीब स्वाद है। मैं यह खाकर देखती हूँ। अजीब है, इसे मेरे क्ले की तरह बदबू आ रही है। मैं खाकर देखती हूँ। हाँ, ये मेरी प्लेडो है। किसने मेरे क्ले को बर्बाद कर दिया? वाह, यह कितना सुंदर है। बहुत ही मीठा और खूबसूरत। कितना अच्छा है। मैं इसे चुनती हूँ। हुर्रे, मैंने इसे तैयार किया है। और अब मैं चाहती हूँ चिप्स खाना। हाँ, इसे तैयार करना आसान है। सिस्टर जेन, शेफ और दादी उत्साह से काम करने के लिए तैयार है। बस या, अब मैं आलू को पतले सर्कल में काटूंगी, ऐसे, इस तरह से। अरे, मेरे पास ऐसी कोई चीज नहीं है। फिर मुझे कैसे काटना चाहिए? मुझे कुछ उपयुक्त खोजने की जरूरत है। हाँ, यह रहा, मिल गया, मेरी कंघी। ओह, कितना भयानक। क्यों, क्या हुआ? बस देखना कितने सुंदर स्लाइस निकलेंगे। नहीं जैन, मैं सुंदर चिप्स बनाऊंगी। देखो मैंने अपने लिए किस तरह का डिवाइस ऑर्डर किया है। इसके साथ आप आलू को एक स्पाइरल में काट सकते हैं और फिर इसे स्टिक पर लगा देना है, इस तरह से। ओह, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दादी अपने पुराने तरीके के साथ बेहतर तैयार करेगी। अब फ्राइंग पैन में आलू को फ्राई करना है। उसने चिप्स मांगे हैं, तले हुए आलू नहीं। और मैं एक डीप फ्रायर में स्पाइरल पकाऊंगी। डीप फ्रायर? मैं भी ऐसा ही करूंगी। अब सब कुछ तैयार है। अब बस इसे खूबसूरती से सर्व करना है, पेपरिका और नमक के साथ। दादी का भी सब तैयार है और मेरे चिप्स पर और ज्यादा केचप डालना है। मुझे बस नमक चाहिए। यह लो मेरी बच्ची, खाओ। दादी के चिप्स से बहुत स्वादिष्ट महक आ रही है। बहन के चिप्स भी अच्छे लग रहे हैं, लेकिन शेफ का चिप्स तो कमाल के लग रहे हैं। मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? यह क्या है, इतना केचप? जैन ने शायद इसे पकाया है, उसे केचप बहुत पसंद है। कोई बात नहीं, इसे खा सकते हैं। क्या यह फ्राइड पोटैटोज है? नहीं, यह वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा मुझे चाहिए। ओह वाह, कितना सुंदर! और इसका स्वाद अद्भुत है, बहुत स्वादिष्ट। मैं इसे चुनती हूँ। हाँ, मैं जीत गई ये। What? और सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए डोनट पकाएं। वाह, इतना सुंदर। यह किया जाएगा। दादी हमेशा अपनी पोती को मीठे के साथ खुश करने के लिए तैयार रहती है। डोनट बनाना बहुत आसान है। हमें बस एक विशेष मशीन में डो का एक टुकड़ा डालना होगा और बहुत सारे डोनट्स बनाने हो तो फिर अधिक डो होने चाहिए। सब कुछ जल्द ही तैयार हो जाएगा। मैं भी ऐसा ही करूँगी।
केवल मेरे डोनट्स रंगीन और चमकदार होंगे। ओह माय। तुम लोग थोड़े धीमे हो, मेरे डोनट पहले से ही तैयार है। अब उन्हें लाल ग्लेज में डुबोने का समय है। जरा देखो ये डोनट्स कितने सुंदर हैं। इसे ऐसे एक के बाद एक रख दिया। हाँ, अब थोड़ा सफेद ग्लेज जोड़ने का समय है, या इस तरह से और भी बेहतर होगा। हिंग, तुम कहाँ हो? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। बहुत बढ़िया, यह मेरे फेवरेट स्ट्रॉबेरी सिरप का समय है। उन्हें सिरिंज में भरने की जरूरत है। वैसे सिरिंज के साथ दूसरों की प्रतिक्रिया देखना मजेदार होता है। रेनबो दादी, देखो मेरे पास क्या है। ऐसे क्यों डरा रही हो? मैं पहले से ही एक बुजुर्ग महिला हूँ। दादी, यह सिर्फ सिरप है, इतना परेशान मत हो। उफ, वेंसडे, तुमने मुझे अच्छी तरह से बुद्धू बनाया। खैर, डोनट्स पे थोड़ी स्ट्रॉबेरी सिरप सही होगा। मैं सिरिंज को यहाँ से नहीं हटाऊंगी। मैरी को यह पक्का पसंद नहीं आएगा। डोनट्स को सजाने के लिए साधारण चीनी का पाउडर ही काफी होता है। देखो इस तरह से। और मेरे डोनट्स सजावट के बिना ही बहुत सुंदर हैं। लेकिन अगर मैं थोड़ा और रंगीन स्प्रिंकल डालूं तो यह अच्छा होगा। अब केवल इस बेकार जार को खोलना ही बचा है। चलो खुलो भी। आह, यह तुमने क्या किया है? गुस्सा मत करो, मैंने जानबूझकर नहीं किया है। लेकिन अब तुम भी स्वादिष्ट हो। मेरे पास कुछ डोनट स्प्रिंकल्स अभी भी बचे हैं। मैरी का अब चुनने का समय है कि किसका स्वाद बेहतर है। सभी डोनट बहुत सुंदर हैं, लेकिन मेंजरी ने कुछ अलग किया है। बहुत ओरिजिनल डेकोरेशन है। आशा करते हुए स्वादिष्ट होंगे। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट है। और इसके अलावा स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ डोनट की बात ही कुछ और है। चलो देखे कि दादी ने क्या तैयार किया है। आपके डोनट साधारण है, मुझे कुछ और स्वादिष्ट चाहिए था। अब रेनबो के डोनट्स को चखना बचा है। यह बहुत स्वादिष्ट है। अब मुझे यह भी नहीं पता कि जीत किसे देनी है। रेनबो और वेंसडे ने वास्तव में स्वादिष्ट डोनट्स बनाए हैं, लेकिन फिर भी वेंसडे ने कुछ और अधिक धमाकेदार किया है और उसके डोनट्स का स्वाद बेहतर है। मुझे पता था मैं जीतूंगी। दूसरे दौर में मैं चाहती हूँ आप मेरे लिए पास्ता बनाए। यह किया जाएगा। मैं नूडल्स बना सकती हूँ। ठीक है, मैं इसे बनाऊंगी। तो यह शुरू करने का समय है। सबसे पहले हमें स्पैगेटी के एक हिस्से को पकाना होगा। यहाँ इसे इस तरह से डाल देती हूँ। वो तो है, लेकिन हमें यह पता लगाना होगा कि पानी कितना गर्म है। मैं इसे खुद नहीं करूँगी। जब पास में थिंग हो तो क्या दिक्कत। थिंग बर्तन में जाओ और उसे पानी की जाँच करो। अब मैं देख रही हूँ कि पानी तैयार है। हम इसमें नूडल्स डुबो सकते हैं। लेकिन मैं खरीदे गए नूडल्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। मैं इसे खुद बनाऊंगी। मेरे पास वो सब कुछ है जो मुझे चाहिए। मुझे आटे से शुरुआत करनी होगी। अच्छी, स्वस्थ रहो। धन्यवाद, मैंने लगभग सभी आटे को गिरा दिया। हम एक अंडे को आटे में तोड़ेंगे, फिर इस मिश्रण को अच्छे से गोद लेते हैं। इस आटे को छोटे गांठों में तोड़ना होगा और उनमें से प्रत्येक को अलग अलग रंगों में रंगना होगा। तब मुझे रंगीन नूडल्स मिलेंगे। इस तरह से एक एक में अलग अलग रंग मिलाया। अब सब बढ़िया है। फिर हमें प्रत्येक गांठ को फैलाने की जरूरत है। फिर सभी स्ट्रिप्स को मिलाएं और उन्हें आवश्यक टुकड़ों में काट ले। इस तरह से बस। अब केवल नूडल्स को पकाया जाना है। घर का बना नूडल्स हमेशा स्वादिष्ट होता है। यहाँ तक कि स्टोर से खरीदी गई नूडल्स को भी प्यार से बनाया जा सकता है। उफ, भाप ने मेरे चश्मे को धुंधला कर दिया है। मैं मुश्किल से कुछ देख पा रही हूँ। क्या मैं केचप सही डाल रही हूँ? दादी, आप खुद ही देख लो। मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज्यादा कर दिया। मुझे नूडल्स को पेंट करने का रेनबो का आइडिया पसंद आया, लेकिन इसे रंगीन क्यों बनाते हैं? यह भयानक है। नूडल्स काला होना चाहिए और हम इसे स्क्विड इंक से पेंट कर सकते हैं। यह हाँ,
इस तरह से यह ठीक रहेगा। ताड़ाम! काले नूडल्स पर साधारण केचप भी बहुत कूल दिखाई देगा। और हम गमी आंखों की मदद से इसे और शानदार बना सकते हैं। वेंसडे फिर से सभी को डराना चाहती है। मेरे नूडल्स की बात ही कुछ अलग है। वह रंगीन और बहुत प्यारा है। मैरी पक्का इसे पसंद करेगी। रेनबो, तुमने फिर से कुछ भयानक किया है। मुझे उम्मीद है कि यह पास्ता कम से कम स्वादिष्ट होगा। स्क्विडिंग खाने को घिनौना बनाती है। बेकार है। आओ देखें कि दादी ने क्या तैयार किया है। जब मैं छोटी थी मुझे उनके नूडल्स सबसे ज्यादा पसंद थे। यह बहुत स्वादिष्ट है। वाह, रेनबो ने भी अपना बेस्ट प्रदर्शन किया है। आओ देखें कि उसके खूबसूरत नूडल्स का स्वाद कैसा है। कमाल है। तुरंत देख सकते हैं कि नूडल्स भी रेनबो की तरह रंगीन है। मैं बहुत खुश हूँ। हुर्रे, मैं जीत गई। इस बार मेरे लिए एक कॉकटेल तैयार करो। मुझे कुछ पीना है। यह तैयार किया जाएगा। मैं तुम्हारे लिए कॉकटेल बनाऊंगी। बेशक बच्चे, तुम मुझे जानती हो। मैं तुम्हारे लिए हेल्दी कॉकटेल बनाऊंगी। हमें इस सैलरी से शुरुआत करनी होगी। आखिर इसे ऐसे ही सबसे उपयोगी चीजों में से एक नहीं कहा जाता है। यह अकेले ही किसी स्वादिष्ट कॉकटेल के लिए काफी है। हाँ, इसे अच्छे से पीस दिया। मैंने पहले ही अपना तैयार कर लिया है। अब इसे ग्लास में डाल देती हूँ और सजावट के लिए यह डंठल। और मैं टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज के आधार पर अपना कॉकटेल बनाऊंगी। उन्हें मोल्डों में फैलाने की जरूरत है, इस तरह से। और फिर इसे अवन में डाल देती हूँ ताकि वे एक बड़े लॉलीपॉप में बदल जाए। और जब तक कैंडीज पिघल रही हैं, कुछ तस्वीरें लेनी और खुद कुछ कैंडीज खाने का समय है। तैयार हो गया। अब बहुत सी छोटी कैंडीज एक बड़े में बदल गई हैं। तो मुझे एक स्वादिष्ट ग्लास मिला। उनमें से प्रत्येक को मैं M&M's कैंडीज से भरूंगी, जिसे मैं अलग अलग रंगों के द्वारा भरूंगी। हाँ, यह बढ़िया है। और स्प्राइट कॉकटेल का आधार होगा। मैं भूल गई थी कि सोडा भी छलक सकता है। अब मैं पूरी स्प्राइट की तरह महकूंगी, पर कोई बात नहीं, कॉकटेल किसी भी तरह से खराब नहीं होगा। इसे अच्छे से डाल दिया, बस। और अंत में कुछ व्हिप्ड क्रीम और ऊपर से रंगीन स्प्रिंकल्स मिलाऊंगी। और लॉलीपॉप कभी भी खराब नहीं लगता है। बस यही। अब मैं वास्तव में स्वादिष्ट और सुंदर कॉकटेल बना सकती हूँ। सबसे पहले मैं स्ट्रॉबेरी सिरप के साथ एक ग्लास सजाऊंगी। मेरे कॉकटेल का आधार भी स्प्राइट होगा, लेकिन इसे और अधिक दिलचस्प रंग देने के लिए मैं इसमें कुछ मिंट सिरप डाल दूंगी। हिंग, मुझे फिर से तुम्हारी जरूरत है। अभी रेनबो की क्रीम चुरा कर लाओ, मुझे भी उनकी जरूरत है। अच्छा किया। क्रीम गमी आग के लिए एकदम सही सपोर्ट होगा, जिसे मैं क्रीम के ऊपर रखने की योजना बना रही हूँ। और थोड़ा और स्ट्रॉबेरी सिरप कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मैरी, यह विजेता चुनने का समय है। वेंसडे, तुम सब कुछ इतना डरावना क्यों बना रही हो? इस आतंक को देखना असंभव है। मुझे उम्मीद है कि कॉकटेल कम से कम स्वादिष्ट होगा। यह बहुत स्वादिष्ट है। एक स्नैक के रूप में एक गमी आग डालने का आइडिया शानदार है। दादी, क्या आपने फिर से सैलरी का कॉकटेल बनाया? आपको पता है मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे माफ करिए, लेकिन मैं इसे नहीं पीऊंगी। मैं सीधे रेनबो के कॉकटेल पर जाऊंगी। टॉक्सिक वेस्ट कैंडीज से ग्लास बनाने का आइडिया शानदार है। कॉकटेल पी सकते हैं और ग्लास भी चाट सकते हैं। रेनबो, तुम बिना किसी बाधा के इस राउंड में जीत रही हो। मुबारक हो। ये मेरे प्रयासों को आखिरकार सराहा गया। अंत में मेरे लिए एक सलाद तैयार करो। सबसे ज्यादा मुझे सीजर सलाद पसंद है। हाँ, यह आसान है, आराम से हो जाएगा। मैं सलाद बना सकती हूँ। सलाद ठीक है। एक अच्छे सीजर के लिए हमें ताजा सलाद के पत्ते का इस्तेमाल करना होगा। यह इस सलाद का आधार है।
और अब हम इसमें चिकन डाल सकते हैं। इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। इस तरह से इसे सजाएंगे। और टमाटर के बिना किस तरह का सीजन, वे भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब केवल कुछ क्रूटॉन्स डालना ही बचा है और सलाद लगभग तैयार है। हमें बस सॉस डालना है और थोड़े चीज ग्रेट करने की जरूरत है। और मैं मैरी के लिए कुछ ओरिजिनल करूंगी। वह कहीं भी साधारण सलाद खा सकती है, लेकिन मैंने अभी तक कहीं भी खाने वाले सब्जी के फूल नहीं देखे हैं। रेनबो, तुम बहुत स्मार्ट हो। मुझे नहीं लगता कि मैरी को कभी गिफ्ट में यह खाने वाला बुके मिला होगा। मुझे लगता है कि वो बहुत खुश होगी। कितना भयानक रेनबो, यह बिल्कुल दिलचस्प नहीं है। देखो कि यह कैसा होना चाहिए। साधारण शिमला मिर्च से मैं तुम्हें एक प्यारा चेहरा बनाना सिखाऊंगी। सिर का आधार शिमला मिर्च है, अंदर लेटस के पत्ते होंगे। मैं खीरे से जीभ बनाऊंगी और आगे ओलिव्स की आंखें और फिर यह ओलिव्स यहाँ लगा दिया। अब टमाटर से सब कुछ सजा सकते हैं और मैं मिर्च से सिंग बनाऊंगी। मैरी, यह एक विनर चुनने का समय है। रेनबो, यह बहुत सुंदर है। किसी ने सच में मुझे अभी तक सब्जी का गुलदस्ता नहीं दिया है। चलो ट्राई करें कि यह कितना स्वादिष्ट है। नहीं, ये सिर्फ सब्जियां हैं। दादी, लेकिन आपने मुझे सुना। मुझे आपका सीजर सलाद सबसे ज्यादा पसंद है। आपके पास इस दौर को जीतने का बहुत बड़ा मौका है। बहुत स्वादिष्ट। वेंसडे, तुम इस बार क्या लेकर आई हो? ओह, तुमने कितना भयानक सिर तैयार किया है। और मैं ऑलिव्स बर्दाश्त नहीं कर सकती। एकदम बेकार। इस दौर में जीत दादी की होती है। उन्होंने वास्तव में स्वादिष्ट सीजर बनाया है। ये मुझे पता था मैं जीतने जा रही हूँ।